पॉजिटिव हो गया टाइफाइड यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, स्वागत है आप लोग का और एक नया ब्लॉग के साथ। एकदम सुबह उठ के तो गया नहीं हम लोगों ने तालाबू, तो एक्चुअली बापू को दिखाना था, रात को भी बुखार आया है बापू को, देखो इसीलिए तीनों पे मिले हम लोग जा रहे हैं, बापू और बापू का मम्मी, मैं भी जा रहा हूँ, तीनों जा रहे हैं हम लोग। बापू का मम्मी का भी कुछ काम है, काम वगैरह खोलना है एंड उसके बाद मेरा भी काम है, तो पप्पू को भी डॉक्टर को दिखाना है तो इसी कारण। और मिस्त्री जो है और वो जो साथ में बंजे का जमाई काम कर रहा है, वो लोग तो काम करेगा, अपना काम कंटिन्यू करेगा, तो मैंने बोला सुबह का टाइम जो हम लोग का इधर खाना खाते हैं ना, तो आप लोग उधर में अपना घर में खाना खाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग है ही नहीं, तो चाय वगैरह बना के देखे जा रहे हैं हम लोग। और दोपहर का अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कोविना को बोल के जाएंगे कि चाय बना दो बोल के, हम लोग ले तो रहे शायद हम लोग ले तो जाएंगे आने के टाइम में क्योंकि बैंक वगैरह काम है, तो इसी कारण बहुत सारा लोग जा रहा है, इसलिए नहीं है खाली हम लोग जा रहे हैं बहुत से, अभी चलता है, चलो बप्पू आ जा बको। रात को भी बारिश है, इसका पेट भी खराब हुआ है, बोलो गंदे पे उठाओ बोलता है। मेरा बैग दो है, इसमें एक है और ये बहुत भरा, इतना भारी हुआ है बैग, पानी का बोतल लिया हूँ और चार्जर, बापू के लिए कपड़ा पाउडर सब यहाँ पे, इतना भरा बैग हुआ है। अभी ये बोर्ड भी जाएगा, हम लोग का बोर्ड भी जाएगा, देखो बापू देखा है। अभी जा रहे हैं भाई हम लोग और यहाँ से लगभग एक घंटा से ज़्यादा तो रात जर्नी रहेगा हम लोग का बाबू मार्कर। उस दिन जो हम लोग मटेरियल वगैरह लेने के लिए गया था ना, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, ना भी है देखो 17 आदमी है टोटल हम लोग, 17 तराबार को मिला के 18 दस प्रकार का बोर्ड में 17 18। भाई डिगमावे गेट में पहुंच गया है हम लोग का, आगे जो बोट आया था वो तो अभी तक सुग्रोबा सोरा में कृपा भाई का उधर रुका था, अभी वो आया नहीं, अभी हम लोग जगह देख रहे हैं कहाँ पे रुकेंगे। ये देखो दुनिया भर का बोट स्टेशन जो है पूरा भीड़ है, यहाँ पे भी सकता था ना, किससे उतर जाएंगे भाई, बहुत ही मुश्किल है, पूरा भीड़ है ना, 17 आदमी हम लोग। जो पीछे पीछे बोध आया था हम लोग का वो भी पहुंच गया है, देखो हम लोग का एक ही गांव से दो बोध आया है, तो अभी जा रहे हैं हम लोग, ये बैग लेके आना पड़ा यार, इतना सारा सामान है हम लोग का, जो कि बाबू का दवाई और उसके बाद पानी का बटल, तो अभी देखते हैं पहले तो अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो उसके बाद ही सब कुछ काम हो जाएगा। और बापू देखो चल चल के जा रहे हैं, इसका टिकट खत्म नहीं हुआ, चलते हैं। मम्मी लोगों ने मुर्गी भेजा है दोस्तों, वो मुर्गी दादू का घर में, और जो हम लोग पम्पकिन लेके आया था ना ये गाड़ी में रख रही है, एक ही पम्पकिन बोला था ना कल सब्जी लेंगे आप। और वैसे भी है ना कंफर्म भी नहीं था वो मुर्गी लाएगा आदमी आएगा करके, फिर भी इसीलिए नहीं लिया है, चलो अभी तो अभी मार्केट के अंदर घूम चुका है, डेली तो ये मार्केट दिखाते हैं आप लोग को, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जो नया नया जुड़ा है, क्योंकि रोज़ एक दो आदमी चार पांच आदमी तो नया नया जुड़ता है ना, तो इस मार्केट के बारे में थोड़ा करके बताऊँगा मैं। ये एकदम जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, और पुराना ब्लॉग में जाके आप लोग डिटेल करके इसका बारे में मालूम कर सकते हैं कि लाबुंग मार्केट क्या है, एकदम इसके थोड़ा एक दो गाँव नीचे जाएंगे तो बांग्लादेश बॉर्डर एकदम ठेकादुर बोलते हैं, उस तरफ बीएचएफ रहता है, उस तरफ बिहार रहता है बांग्लादेश का। तो अभी हम लोग बस पहली बार तो वहाँ पे वो उसका नानी है नानी दादी दादू उधर में खाना बनाने के लिए बोल रहा है बापू का मम्मी ने, तो पैसा वगैरह भी निकाल दिया, लेकिन बापू का मम्मी और बापू आया कि नहीं आया है उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। कुछ दिन में भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत खाया था यार, सार मेरे को देख के, देखो सार को और मिला है,
कैसा है सर? बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। देखो सामान सामान अच्छा बिजनेस है ना भाई सर का बेटी हो। क्या क्या हो गया जेपीएम सरकार का? हाँ, सरकार बदल गया तो हाँ, पैसा भी कम हो गया। कम हो गया ना, कस्टमर भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है ना, नहीं आता है। इनकम सोर्स पूरा कम कर दिया उसने, बोल रहा है इन लोग जीरो। हाँ, ये सरकार जो बोल रहा है खुद काम करके बांग्लादेश लोग जैसा ही ऐसा ही खाना है भाई, मेहनत करके तब जाके पैसा देगा ही, नहीं तो फ्री में नहीं। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा तो क्या करे। ठीक है भाई, थोड़ी देर में मिलते हैं। जब भी आता हूँ ना मैं यहाँ से बातचीत वगैरह करता हूँ। और पप्पू का मम्मी किधर? जो सासू माँ ने मुर्गी बजाता पूरा दो है बोल रहा। ओह यहाँ पे देखिए, ये देखिए दो है पूरा। बहुत दिन से हम लोग लोकल चिकन खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो खाने के लिए मिलेगा। अच्छा है तो बापू को दिखाना है हम लोग को दफ्तर को। सब्जी मार्केट से ज़्यादा मैंगो मार्केट यहाँ पे है। तीन साल में जो मैंगो पकड़ते हैं ना वो वाला मार्केट ज़्यादा है। अदरवाइज मेरा दोस्त है क्योंकि भैया को ढूंढ रहा हूँ मैं, बापू का मम्मी और बापू तो वहाँ पे उसका नानी का घर में है, तो भैया को ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया कहाँ गया, उसको पैसा वगैरह देना है यार। भैया को तो नहीं मिला है, तो अभी सिदोल लाने जा रहा हूँ मैं। और सिदोल आज बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है मालूम नहीं। आज ट्यूसडे है, बेचना तो चाहिए, लेकिन अभी शरियात बच चुका है मेरे ख्याल से। बेच रहा है अभी तो शायद चला गया क्या, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई एक ही है लास्ट में, ये भी तैयारी कर रहा है जाने के लिए। आपके लोग किलो, ये तू 40 है तो यहाँ से आपके लोग ले लूँगा मैं। तो सब्जी के लिए ये बेच से बोल रहा है, तो आपके लोग 120 रुपीज़ से यहाँ से ही ले लूँगा मैं। आखिरी में इसको मिल गया यार, ये भी जाने वाला था, पूरा रेडी हो रहा है। अच्छा है यार, बापू का मम्मी तो वहाँ पे बिजी है, बापू के लिए अंडा वगैरह बना दे रहा है। तो बापू को डॉक्टर वगैरह भी नहीं दिखाया हम लोगों ने, उसको भी दिखाना है पहली बार तो, और हम लोग का एकान वगैरह खोलना है, बहुत सारा काम है। तो यहाँ से मैंने आपको लिया, तो ऐसा ही बेचते हैं ये सब झींगा का, मछली का, मछली फर्मेंटेड करके रखता है ना, तो उसे ही पाउडर करता है ये लोग, मशीन से करता है ना कैसे करता है मालूम नहीं मेरे। मैंने ले लिया है हाफ किलो, और मैं ड्राई पीस भी ले लूँगा। ड्राई पीस भी हम लोग का बहुत दिन हो गया, खत्म हो गया था। वैसे भी लारू को भी ड्राई पीस चाहिए यार खाना खाने के लिए। कभी कभार लारू ऐसे ही हम लोग जो खाते हैं सिदोल का सब्जी उसे खाना पड़ता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको ऑयल का सब्जी चाहिए, नहीं तो ड्राई पीस। ड्राई पीस एक जला के दे दो बस, बढ़िया करके खाना खा रहा हूँ, जो इसके लिए लेना पड़ेगा। तो मैं ड्राई पीस देख रहा हूँ, ड्राई झींगा ये कितना है भाई? ये पावा 200 है। पावा 200, इसका मतलब 800 रुपया किलो। और मैं यहाँ से ले लूँगा एक पाव, थोड़ा अच्छा अच्छा वाला दे देना भाई। हाँ ठीक है, एक पाव भाई बोल रहा है काली पहुँचा है। ये कहाँ से पहुँचा भाई? सिलचर से। सिलचर का है। हाँ सिलचर का, बांग्लादेश का बहुत नमक ज़्यादा होते हैं ना। हाँ नमक होता है, हाँ नमकीन होता है, उसको पसंद नहीं है बापू का मन को, तो इसलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ सिलचर का। पिछले टाइम तो अंकल से लेके गया था मैं, इस बार इसको इस बाइक को मदद कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। और एक बार आऊँगा तो उस टाइम अच्छा था आपका ड्राई पीस जो टेस्टी था। कौन? नहीं नहीं यार ये तो करीमगंज का है ना। करीमगंज का है। तो आप कहाँ का है अंकल? हम तो फटक बाजार का है। फटक बाजार, मेरे को आइडिया नहीं है कहाँ फटक बाजार, कहाँ करीमगंज पटा है वो शायद आसाम है ना, आसाम सिलचर। ये जो इसको बोलते हैं भाई नोने मास, लेकिन हिंदी में क्या बोले मालूम है, बहुत नमकीन होता है भाई, टेस्टी भी इसका अलग मजा है भाई। एक बार देखा होगा पुराना ब्लॉग में आप लोगों ने, जो लौकी के पत्ते से हम लोग बनाया था फ्राई करके, दोस्त का मोटा मोटा करके पीस पीस करके बनाया था, ये बना है। हाँ दो की भाई, ये 50 रुपीज़ है, ये 60 रुपीज़ है बोल रहा है। देखते हैं अगर बापू को मम्मी को पसंद आए तो जाने के दाम में एक लेके जाएंगे क्या हम लोग। लेकिन ये झींगा जो है ये अलग है, ये दो पावा। ओ माय गॉड, ये एक पाव 500 रुपया है, 100 ग्राम से जब है 100 ग्राम 200 रुपया है भाई। एक्चुअली उसका जीदू, हम लोग जीदू बोलते हैं, वो इसका दादू ना, दादू दिया था इसको 100 रुपीज़, वो गिर गया था एक लड़की वहाँ से बिल्डिंग से देख के हम लोग को बुला रहा है कि ओ उसका पैसा गिर गया बप्पू का। वो नहीं होता तो शायद गिर जाता ना। तो अभी जा रहा है हम लोग पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे पहली बार तो वहाँ पे जाएंगे, तो उसके बाद ही बापू को दिखाएंगे ना। तो खाना वगैरह अभी हम लोग का इंतज़ाम हो रहा है, इंतज़ाम मतलब वहाँ से ही बोला ना दादू का उधर खाने के लिए,
आज एक बार वहाँ पे खाएंगे। अभी आ चुका है पोस्ट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। ये डाक का घर है, ये इसका जो है ये डाक का घर बनाया था जब ब्रिटिश ने यहाँ पे राज कर रहा था। उस टाइम इंडिया भी स्वाधीन नहीं होता, 1947 के आगे ये बनाया था, ब्रिटिश लोगों ने ही बनाया था ये डाक का घर। अभी जस्ट उस वो ही सेम डिज़ाइन है, लेकिन थोड़ा सा रिपेयर वगैरह करता है ना ये लोग, तो ऐसा ही है। ये देखो ये डाक का घर, इसका सबसे पुराना वाला है, मतलब मिजोरम में सबसे पुराना डाक का घर है ये। पहले डाक का घर जो है ब्रिटिश लोगों ने ही बनाया था, ये पोस्ट ऑफिस का घर जो है। ये भीड़ तो नेक्स्ट लेवल का है, और हम लोगों ने बना लिया है, बस 5 मिनट ही चाहिए पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोलने के लिए। इतना नहीं है कि फॉर्म वगैरह फिलअप करना है आपको, और हम लोग को बस फिंगरप्रिंट लिया है, ये मिला है हम लोग का पोस्ट ऑफिस का, और इसका भी मिल गया मेरा भी। लेकिन एक आदमी का 300-300 रुपया देना पड़ा। बप्पू ने अभी खिलौना लिया है, खाली एक चीज़ लिया है, इतना अच्छा अच्छा गुड बॉय है बप्पू। इतना सारा सामान है क्योंकि वो बहुत महंगा है ना इधर, ना मुंबई से ज़्यादा इधर महंगा है। तो ये भी 150 रुपीज़ का है, छोटा वाला। चलो चलो जाएंगे डॉक्टर दिखाना है, पहले डॉक्टर दिखाना है यार। चलो आज प्राइवेट में डॉक्टर नहीं बैठा है, तो हम लोगों ने हॉस्पिटल में जा रहा है दोस्तों, वहाँ पे दिखाएंगे बापू को, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। दवाई दुकान से दवाई ले सकता था हम लोगों ने, लेकिन वो चॉइस नहीं किया, तो डॉक्टर को दिखाना चॉइस किया हम लोगों ने, इसलिए जा रहा है। देखो बापू का तो पहुँच गया है हम लोगों ने हॉस्पिटल में, एक्चुअली कारण नहीं है, इसलिए जनरेटर वगैरह लगाया है। तो पहले बात तो एफडी में नाम लिखना पड़ेगा बोल रहा है, यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। नाम वगैरह भी लिख लिया है वहाँ पे, और वो जो नाम लिख रहा है ना वो बंदा मेरे को बोल रहा है कि अब शादी किया गया, क्योंकि उसको जान पहचान है। हम लोग हायर सेकेंडरी में, यहाँ पे जो एक हायर सेकेंडरी है ना बाबू में, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था जब मेरा क्लास 10 क्रॉस हुआ था, तो 11-12 तक यहाँ गया था मैंने हायर सेकेंडरी में, तो उसको जान पहचान है। वो लोग शायद 12 में था, हमने 11 में था, तो वो बोल रहा है कि शादी किया गया है भाई आप। मेरे को पहले नहीं देखा था उसने मेरा फेस, बाद में मेरा फेस देखा तो शादी किया है, वो आपका बीबी है क्या, ऐसा बोल रहा है वो। अभी हम लोग 12 नंबर में है, 11 नंबर का नीचे 11 लोग जाएगा, उसके बाद ही हम लोग 12 नंबर में। वेट तो करना पड़ेगा भाई, कुछ खाएंगे, कुछ पियो बापू, कुछ पिएगा बाबा। हाँ कौन सा लेगा, ये ओ चॉकलेट लेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। बापू चॉकलेट लेगा खाएगा, बोला पांडा चॉकलेट खाएगा बापू। और बापू का वहीं कुछ ले रहा है, पानी नहीं लाया, पानी लाना चाहिए था ना इतना देर से, पानी नहीं लाया, इसका बॉयल कर दिया घर में, वो पानी नहीं लाया। हाँ प्यास लग रहा है, ओके तो पानी बोतल लेना पड़ेगा ना। वो एक पानी बोतल मंगा है हम लोगों ने नॉर्मल, ले लो पसंद है तो, ये वाला चॉकलेट बहुत पसंद है बोलते। और क्या लाना है, कुछ मैं क्या खाऊँ, मैं तो एक पान खाऊंगा, खैर मैं एक पान खाऊंगा बस। तो अभी हम लोग अंदर में जाएंगे, बापू को बाथरूम आया था, बाथरूम किया, उसके बाद अभी अंदर जाएंगे, सब लोग अंदर में वेट कर रहे हैं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं। वो ये है, चलो चलो बापू का टेस्ट हो चुका है, और यहाँ पे वेट कर रहा है रिजल्ट। इतना रोया ना, बहुत ही रोया, नहीं देते ब्लड टेस्ट करने के लिए। देखो अभी मोबाइल दिख रहा है, इसका रिजल्ट आएगा तो दिखाना है डॉक्टर को भी, और रिजल्ट लेके दिखाना है कि दवाई। भाई रिजल्ट भी मिल गया है बापू का, अच्छा किया भाई, यहाँ पे लेके आया, टाइफॉइड बोल रहा है, प्लस वो कुछ खीरा नहीं खाता है, खीरा बोलते हैं यहाँ पे कॉमन हो गया ना, वो जो भी आते हैं खीरा वगैरह फूक बोलते हैं, खीरा वगैरह खाते हैं बोलता है, तो हाँ हम लोग को इंजेक्शन देने के लिए वो रिकमेंड किया था डॉक्टर, लेकिन हम लोग बोला दूर है वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, ये सब नहीं आते लोगों का ना, तो दिक्कत होगा, तो क्या करें क्या करें। उसने दवाई दिया है बहुत सारा, देखते हैं यहाँ से दवाई वगैरह लेना है जो ये स्टोर से, फिर उसके बाद जाना है हम लोग का, यहाँ से दवाई लेना है। तो बहुत सारा दवाई है भाई, दवाई बहुत दिया है, तो उसको अभी बता देगा कपी ने कैसे कैसे खाते हैं, और दवाई ले लेते हैं उसके बाद मिलते हैं भाई। लेके आके सही किया, एकदम सही किया यार, कल बुखार आया था, आज लेके आया तो पॉजिटिव। देखो ये टेस्ट ना टाइफॉइड, ये पॉजिटिव हो गया टाइफॉइड, यहाँ पे दिखाएं तो पॉजिटिव है। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट में खाने के लिए मन कर रहा है बेचारा को, खाना नहीं खाएगा बोलता है, और पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है ऐसे बोलता है भाई। इतना सारा दवाई देखो, तो दवाई वगैरह लेके जा रहे हैं हम लोग अभी नीचे में, बहुत सारा दवाई है भाई। तो अभी दादू का घर में पहुंच चुका है, तो यहाँ पे हम लोग प्लान वगैरह करेंगे,
ये लोग तो सब खाया है, इतना सारा सब्जी है, मैं क्या क्या करके नहीं दिखाऊंगा। ले तो रहा है बापू, खा रहा है वो, देखो चिकन के साथ खा रहा है। और खाओ, मैं भी खाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं भाई। खाना वाना खा के हम लोगों ने पेट भर के खाना खाया। अभी तक हम लोग का जो आया था ना, हम लोग एक आदमी का काम नहीं हुआ, वो ऑफिस में गया, तो इसी कारण थोड़ा लेट हो रहा है। हम लोग अभी ले रहा है यहाँ से केक वगैरह, देखो केक। और आपको बादाम लेना है ना, बादाम वगैरह भी ले लो, आपसे लेंगे। हाँ वहाँ से लेंगे ना बादाम। बापू क्या लिया है, बापू क्या लिया है? पॉपकॉर्न। और कोविना के लिए साबुन ले देना, उसके लिए एक दर्जन बोला है। हाँ चार चार, तीन चार पाँच होते। अभी हम लोग यहाँ से चल रहा है, और सबका काम हो गया कि नहीं हुआ मालूम नहीं। और अभी हम लोग चल रहा है, दादू आ गया, देखो बैंक में गया था। हिंदी में बात कर रहा है दादू से, देखो उसका फेवरेट है वो। नहीं थैंक यू बाबा, थैंक यू बोलो। इसका दादू है, बापू मम्मी का दादू। अभी सब ले लिया है, और ऑयल बोतल लेना है। बाकी यहाँ पे ग्रोसरीज में, ग्रोसरी बोलूँगा, खाने का सिर्फ बापू सोच रहा है क्या लेगा, कैसा लेगा, कैसा लेगा, वो बापू सोच रहा है। ये बहुत अच्छा है, ये खट्टा मिट्टा जो है टेस्टी है। हाँ कौन सा लेगा ये क्या है, जली है क्या, ये पूरा लेना पड़ता है वो, ऐसे नहीं। अभी ये मोहतरमा जी बादाम लेगा, वो कितना, 300 लेगा। हाँ अच्छा वाला देखो ना, बादाम अच्छा है क्या। ओ ये 300 बोल रहा है ना, ये वाला लेगा क्या बादाम। ओके कितना है। हाँ बोलो कौन सा, कौन सा बोलो, कौन सा, ये क्या है भाई, ये पूरा लेना पड़ता है ना इसके साथ, खुल के नहीं मिलता है क्या। ये हुलिया नवाज है ना भाई, हुली नवाज हम दबा भाई नहीं, ये खुल के नहीं बेचते, पूरा लेना पड़ता है, ये यही दिक्कत है। हाँ हाँ लेगा लेगा। तो अभी हम लोगों ने सामान लिया है इतना सारा जो खाने का, ये देखो भाई इतना ज़्यादा है। हम लोगों ने बादाम लिया है, क्या है, खजूर लिया है, और ये रेल जूस, और ये है कुछ खट्टा मीठा, बहुत 700 ऑलमोस्ट 700 का है। बस हो गया, अपना पेमेंट भी दे चुका है, और अभी चलते हैं। कुछ कुछ लेने का नहीं है ना, और ऑयल बोतल लेना है, यहाँ पे भी तो मिलता है, एक ही बार में दे सकता था यार। आजू वो एक और हम लोग का ऑयल बोतल दे दो, वो भी ले लो ना एक, वो क्या है छोटा वाला एक टोमेटो सॉस दे दो भाई। हाँ वो वाला, हाँ वो वाला, बस उसका कैश दे दो। ये 120 है आजू, और ये कितना है, 70 190। तो सब कुछ हो चुका है, अभी जा रहे हैं हम लोग घर में दोस्तों। तो एक्चुअली लेट हो गया, 3 से ज़्यादा बच गया, हम लोग का पहुँचते पहुँचते 5 तो बच जाएगा, 4:30-5 बच जाएगा। अभी देखो पूरा फूल, आने के टाइम में 17 और जाने के टाइम में 15। फाइनली पहुंच गया है बोर्ड स्टेशन में, अभी जाना है हम लोग का घर। सब उतर रहे, ऊपर तरफ थोड़ा उतर गया था, अभी नीचे तरफ ये थोड़ा, चलो अभी जाना है, जाना है कि नहीं जाना है।
पहुंच गया है भाई, और अभी तक मैं घर के अंदर गया ही नहीं, और यहाँ पे तो काम मेरा चल रहा है। देखो चारों पोस्ट बनाया है, यहाँ पे डो है, और नीचे वाला शायद ये नकुल डलाई किया है, नीचे वाला थोड़ा दिया नदी नौ उदाहरण, नीचे वाला और जरूरत नहीं है बोलता है, तो एक ही ये दिया है। देखो बढ़िया है, पूरा रेस किया है दोस्तों, और रेस करते करते बारिश, और मलका पापा यहाँ पे मदद कर रही है, आते ही बेटा भी नहीं है बेचारा, क्योंकि बारिश दे रही है ना, पूरा इमरजेंसी कर रही है। तो बापू का मम्मी पूरा डिनर तैयारी किया है, और मैंने भी थोड़ा बहुत मदद किया है, जो हम लोग का अभी काम पे आ रहा है। देखो ठंडी का मौसम में काम पे आना था, जो बेम्बू सूट ड्राई करता है ना, हम लोग ड्राई किया था ना, वो बोला अभी काम पे आ रहा है, अभी खा रहे हैं हम लोग, यही बनाया खाली स्नैक गार्ड, और ये कुछ गार्ड है किस क्या बोलते हैं मालूम नहीं, ये कैसे बनाया है इतना 50 रुपीस महंगा, ज्यादा बापू इतना जीत किया है लेने के लिए, बापू बहुत जीत किया है लेने के लिए, अभी 10 रुपया कोरियन रामेन, अगर ना 10 रुपया वाला ना मैगी लेता तो पूरा पाइप मिलता 50 रुपये, इसीलिए मैंने बोला आपको चेंज करो। थोड़ी देर में खाना खाएंगे, बापू के लिए तैयारी कर दिया है, वो भी वो उसके साथ खाना खाएगा बोल रहा था बापू ने, देना है कुछ भी पता नहीं। बापू का दवाई तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये देखो इतना सारा दवाई यहाँ पे, और एक बार दिखाता हूँ ये पूरा मिला है बापू को। तो ब्लॉग को इसमें एंड करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं और एक नया ब्लॉग के साथ। कल का ब्लॉग स्पेशल होगा, थोड़ा नया मेहमान आया है, और कल का ब्लॉग देखेगा तो आप लोगों को मालूम चलेगा कौन मेहमान है, तो कल के लिए भी तैयारी करना है, अगर वो होगा तो वो लोग आएगा तो कंफर्म करके, तो मिलते हैं कल का और नया ब्लॉग के साथ, बाय बाय दोस्तों।